हेलो गाइज, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको टेलर्स के दुकान का बैनर पोस्टर डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूं। यहां पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे बनाया हुआ है। यहां पे आप जो बैनर पोस्टर डिज़ाइन देख रहे हो, इसका जो PLP फाइल और इसका जो PNG है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इस बैनर को किससे बनाना है वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम ना लगाते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बैनर को बनाने के लिए कैसे आपको क्या करना है, उसके लिए आप जो वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे चलिए टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जैसे आप अपने पिक्सल लैब को ओपन करते हो, स्टार्टिंग में आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो है 3 डॉट मिलता है साइड में, वहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन यूज इमेज फ्रॉम गैलरी वाला सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे आप अपने गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपने इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया रहेगा। तो मेरा जो फोल्डर रहेगा दोस्तों, उसका नाम रहेगा सौरभ टेलर्स करके। यहाँ पर देखोगे उसी नाम से एक फोल्डर है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो आपको इस फोल्डर में कुछ इस तरीके का PNG और PLP फाइल दोनों मिल जाएगा। जिन लोगों को PNG ओपन करके बैनर को बनाने नहीं आता है, वो लोग PLP फाइल को ओपन करके नाम चेंज करके अपना बैनर बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे चलिए अभी इस बैनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो अपने बैनर का बैकग्राउंड है उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक न्यू टेक्स्ट दिखाई देगा, एक ही ऑप्शन पर जाना है, इसको डिलीट कर देना है। प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है। और यहाँ पर आपको अभी जो भी सारा PNG है वो सारे PNG को एक एक करके हमें ओपन करके सेट कर लेना है। तो चलिए मैं जो भी सारा PNG आप लोगों को दिया हूँ इस बैनर को, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, चलिए मैं वो सारे PNG को ओपन करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो में आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। वीडियो में आपको जो है पासवर्ड 3 जगह पर बोल के बताया जाएगा, पासवर्ड 2 है, पासवर्ड 3 है, पासवर्ड 5 है, ऐसा करके 3 जगह पर आपको आवाज़ आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बताऊँ आपको वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहना है। तो चलिए टाइम ना लगाते हुए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको वापस से प्लस ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है। और यहाँ पर जो भी अभी PNG बाकी है उसको क्लिक करके चलिए ओपन कर लेते हैं। तो एक लेडीज़ का PNG है, इसका साइज़ मैं छोटा करके इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी जगह के हिसाब से इमेज सेट कर सकते हो, या तो ये जो मैं इमेज लिया हूँ यहाँ पे, इमेज अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी इमेज उठा सकते हो, गूगल से आपको मिल जाएगा कई सारा इमेज। तो चलिए फिलहाल के लिए अभी मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड 2, तो ए वाला दोनों इमेज मेरा यहाँ पे सेट हो चुका है। ए वाला इमेज मैं इधर ले लेता हूँ और ए वाला मैं इधर ले लेता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ा सा वो पड़ रहा है, कम पड़ रहा है इसके लिए। और ये जो मैं PNG ओपन किया पहले, तो मैं इस फोटो को सेट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके, साइज़ थोड़ा सा और छोटा करके यहाँ पे सेट कर लेते हैं। और मैं लेयर के ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर जो ब्लू कलर का PNG है सर्कल शेप वाला, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ स्क्रॉल करके कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ। और मैं लेयर के ऑप्शन पे जाके मैं जो भी सारा लेयर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो भी सारा PNG है वो मैं लॉक कर देता हूँ, ताकि मुझे एडिटिंग करने में परेशानी ना हो। यहाँ पे मैंने जो भी सारा PNG था लिया था उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है। सेट करने के बाद चलिए मैं अपने बैनर को एक बार ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखा दूँ, ताकि मैं यहाँ पर आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा श्री गणेशाय नमः करके, तो श्री गणेशाय नमः, उसके नीचे आपको जो है सौरभ ट्रेलर करके। तो चलिए मैं आपको एक एक टेक्स्ट को लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं श्री गणेशाय नमः लिखना है मुझे, या जय माता दी आप लिख सकते हो, या जय हनुमान, मतलब लिखने वाले बहुत लोग लिखते हैं अपने हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से लिखोगे। उसके लिए प्लस के ऑप्शन क्लिक करके नया टेक्स्ट लेना है। सॉरी, मैं फ्रॉम गैलरी यहाँ पर चला गया गलती से। तो यहाँ पर आपको नया टेक्स्ट लेना है, आपके सामने एक नया टेक्स्ट आ जाएगा। और एडिट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, जो भी लिखा रहेगा उसको कट कर देना है। और यहाँ पे अभी आप जय माता दी, जय श्री गणेश, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वहाँ पे एग्जांपल ले जो भी लिखना है लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जय श्री गणेश या गणेशाय नमः करके, तो यहाँ पे आप जो भी लिखना रहेगा लिख सकते हो। जैसे मैं श्री गणेशाय नमः लिख देता हूँ, गणेशाय नमः, और यहाँ पे मैं जो है बैक आ जाता हूँ, ओके कर देता हूँ। और ये जो श्री गणेशाय नमः वाला टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे बीच में ही सेट करता हूँ। और यहाँ पे आप जा सकते हो फॉन्ट के ऑप्शन में, जो भी आपको फॉन्ट पसंद है दे सकते हो। फिलहाल के लिए अभी के लिए मैं वाइट कलर ही रहने देता हूँ और मैं फॉन्ट के ऑप्शन पर चले जाता हूँ। और यहाँ पर अभी आपको जो भी फॉन्ट पसंद है यहाँ पर आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए जैसे मैं एग्जाम्पल कोई एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ,
यहाँ पे जैसे मैं ए वाला से लेकर के नीचे मैं ओके कर देता हूँ, मेरा ये फॉन्ट यहाँ पे सेट हो चुका है। तो आप इस तरीके से श्री गणेशाय नमः की जगह पे आपको जो भी लिखना रहेगा लिख सकते हो। पासवर्ड 3। बाकी मैं इसी टेक्स्ट का जो एक कॉपी ले लेता हूँ और एडिट के ऑप्शन पे जाता हूँ, जो भी लिखा गया इसको मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ दुकान का नाम, तो यहाँ पे आपको जो भी दुकान का नाम डालना है वो डालोगे यहाँ पे। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे नाम लिख लिया और इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपको चले जाना है कलर के ऑप्शन पे। यहाँ पे मैंने अपने बैनर में देखोगे तो मैंने येलो कलर दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी कलर देना रहेगा वो कलर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं येलो कलर ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको चले जाना है अभी फॉन्ट के ऑप्शन पे। जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट पसंद है यहाँ पे आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट का नाम सर्च कर लेता हूँ और मैंने फॉन्ट को सिलेक्ट किया, नीचे मैं ओके कर देता हूँ और इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा करके जगह के हिसाब से सेट कर दे रहा हूँ। सेट करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे साइडों के ऑप्शन पे। जाने के बाद इसको इनेबल कर लेना है और यहाँ पे ब्लर रेडियस का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको कम कर देना है। आउटर ग्लो का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको जो है कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद देखोगे तो आपके टेक्स्ट में कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा। और आपको इस तरीके से अपने जो टेक्स्ट बना लेना है नाम लिखकर, जो भी आप नाम लिखकर बनाना चाहते हो बना लेना है। उसके नीचे आप देखो तो आपके यहाँ पे जो किस तरीके का काम किया जाता है, कैसा काम किया जाता है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे जो मैं अभी, चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने श्री गणेशाय नमः वाला टेस्ट लिखा हुआ है, इसी का मैं कॉपी ले लेता हूँ। एडिट के ऑप्शन भी आता हूँ, जैसे मैंने अपने बैनर में लिखा हुआ है लेडीज स्पेलिस्ट, तो यहाँ पे आपको लिखने के लिए चले जाना है हिंदी कीबोर्ड पे और यहाँ पे लिख लेना है लेडीज। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा लेडीज और यहाँ पे स्पेलिस्ट, चलिए लिख लेते हैं। तो ये थोड़ा इंग्लिश वर्ड है तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा। इस यहाँ पे जो एक मिनट कुछ आ गया है, इस पे लिस्ट ऐसे करके कुछ रहेगा, इस पे लिस्ट यहाँ पे मैंने लिखा। और मैं बैक आता हूँ, ओके कर देता हूँ और ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको यहाँ पे मैं रख के साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा बैनर है इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा करके इसको मैं साइड में रख लेता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, इसमें अभी आपको कलर देना है। तो जैसे मैं अपने बैनर में देखोगे तो ग्रीन कलर मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कलर देने के लिए इसको सेलेक्ट करके कलर के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक करके चले जाना है। आपको स्ट्रोक के ऑप्शन पे इसको इनेबल करना है। स्ट्रोक में आपको यहाँ पे जो है वाइट कलर सेलेक्ट करके स्ट्रोक बढ़ा देना है। तो देखोगे कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। चाहे तो आप इसमें फॉन्ट भी सिलेक्ट करना है कर सकते हो। उसके नीचे आते तो हमारे यहाँ पे यानी आपके यहाँ पे जो भी काम किया जाता है वो यहाँ पे आप लिखोगे, मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। उसके नीचे आते हैं तो आप देखोगे नाम और नंबर लिखा है, तो वो लिखने के लिए आपको ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसी का कॉपी ले लेता हूँ और एडिट के ऑप्शन भी आता हूँ, जो भी लिखा गया इसको मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पे चलिए जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश जैसा भी आपको लगता है लिख सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे जैसे मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं चलिए नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना नंबर लिखा, ओके कर देता हूँ और यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट आ चुका है इसका यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ। यहाँ मैं जाता हूँ स्ट्रोक के ऑप्शन पे, इसका स्ट्रोक मैं बंद करके राइट का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। कलर के ऑप्शन में जाता हूँ, इसमें मैं येलो कलर या वाइट कलर जो भी आपको पसंद है वो सेलेक्ट कर सकते हो। साइज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बड़ा छोटा कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाके आपको सेट कर देना। अभी जो मैंने बैनर बनाया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो देखोगे यहाँ मेरा कुछ इस तरीके से बैनर यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो इतना काम कर सकते हो आप एक लेडीज़ टेलर की दुकान का बैनर पोस्टर डिजाइनिंग करने के लिए। तो जो भी तरीका था, जो कुछ ये बताना था वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको और भी कोई डिज़ाइन का बैनर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या आप मेरे से बैनर बनवाना चाहते हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। और जैसे आप कमेंट करोगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कुछ दिन का, कुछ दिन के बाद उसका वीडियो आ जाएगा चैनल पर, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और यहाँ पर आप जो भी बैनर बनवाना चाहते हो मेरे से, वो आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको मेरे यूट्यूब चैनल के बैनर पर भी नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पासवर्ड 7। बाकी यहाँ पर आपको इतना ही काम करना है इस तरीके का बैनर बनाने के लिए। तो जाइए दोस्तों आप भी बनाइए। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।